वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कुमार। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना जो इमेज होता है, जो भी अपना फ़ोटो होता है, उसमें हम बॉर्डर लाइन लगा सकते हैं। तो बॉर्डर लाइन क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। बॉर्डर लाइन देखिए, जो इमेज के जो बॉर्डर होते हैं, चारों ओर बॉर्डर एक लाइन की तरह होता है, रेड कलर की लाइन या फिर जो भी कलर, जिस कलर की आप लाइन चाहिए। चलिए हम दिखा देते हैं कि बॉर्डर लाइन क्या होते हैं। देखिए, इस इमेज में देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो भी देख रहे हैं कि एक रेड कलर का ऐसे ऐसे घेरा हुआ है, ठीक है। तो आप भी वैसे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे लगाया जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं, और लगाकर आपको फ़ोटो में भी दिखाते हैं। आप अपना क्रोम खोल लीजिए, ठीक है। क्रोम खोलने के बाद आप इसमें सर्च कीजिए रिमूव, ठीक है, बी जी, और इसके बाद से आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है, उस पर आप क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिप अपलोड, ठीक है। उसके बाद से आपको अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना जो भी आप अपना इमेज को चूज करना चाहते हैं, उस इमेज को चूज कर लीजिए, ठीक है। आप इसमें जैसे कोई भी हम इमेज चूज कर लेते हैं, इसी इमेज को चूज कर लिए। आप चाहे तो इसका आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें फ़ोटो को बहुत सारे एडिट कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक कीजिए एक बार। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी और भी कलर का बैकग्राउंड, जो भी कलर आपको चाहिए, जैसे इस कलर का, जैसे भी चाहिए आप, जैसे लगाना चाहते हैं वैसे लगा सकते हैं आप, ठीक है। और चलिए मैं इसी को लगा देता हूँ, कोई वाइट कलर का लगा लेता हूँ। अब उसके बाद से आपको यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड इमेज पे, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड कर लिए। चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं, यही जो इमेज था डाउनलोड हुआ। चलिए उसके बाद से बॉर्डर लाइन कैसे लगाते हैं, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो आपके पास हमारे पास पिक्सआर्ट ऐप्स है, आप भी इसे डाउनलोड कर लें और इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद देखिए ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस बटन दिख रहा है, यहाँ पे प्लस बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद से आपको इसमें से इमेज, जो भी इमेज चूज करना है, इमेज चूज कर लेना है। चलिए मैं कोई इमेज चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद से इसमें एक आपको ऑप्शन दिखेगा बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर का, उसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको इसमें बॉर्डर आ गया। उसके बाद से इसमें आपको बॉर्डर का ऑप्शन आएगा, बॉर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई भी आप इमेज चूज कर लीजिए, जो आपको इमेज चूज करना है। उसके बाद से आपको जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर चूज करना है, जिस भी कलर में आप चाहते हैं बॉर्डर लगाना, उस कलर में आप लगा सकते हैं। यहाँ से चूज कर सकते हैं रेड, ग्रीन, जो भी कलर। तो आप अपने में बॉर्डर इसका थिकनेस यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना बॉर्डर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ उसके बाद से आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये फ़ोटो और वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी अपने फ़ोटो को ऐसे ही एडिट कीजिए। तो चलिए उसके बाद इसे सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सेव का, तीर का एक, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक गैलरी में सेव करने के लिए ऑप्शन, ठीक है, गैलरी में डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे गैलरी में क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम सीखे हैं कि कैसे हम कोई भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं और इसमें बॉर्डर लाइन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।